नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज कैलेंडर की तीसरी क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पिछली दो क्लासेस में एक में आपको कैलेंडर का बेसिक बता दिया है और दूसरे में ओड डेज पर आधारित जितनी तरह के प्रश्न हो रहे थे वो बता दिए हैं। तो आज हम इसकी तीसरी कक्षा शुरू करेंगे। आज की क्लास में मैं बहुत तरह के प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगा और आज की कक्षा जो है वो प्रश्नों पर ही डिपेंड करेगी, प्रश्नों से ही हम लोग चीजों को सीखेंगे। देखिए, दिनांक पर आधारित जितनी तरह के प्रश्न होते हैं, जब आपसे वार पूछे जाते हैं, इस डेट का ये वार है तो इस डेट का क्या वार होगा, ये कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, इन सारे प्रश्नों पर मैं आज की क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए आज का अध्ययन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में दिनांक, डेट्स पर आधारित जितनी तरह के प्रश्न होंगे उन पर आज बात करेंगे। तो पहली तरह का प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रश्न इस तरह का आता है, आराम से देखिएगा। एक प्रश्न आता है, यदि 7 मई 2001 का यदि 7 मई 2001 का रविवार रहा हो तो 7 मई 2010 का क्या वार रहेगा। जैसे ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, 7 मई 2001 का रविवार रहा तो 7 मई 2010 का क्या वार रहेगा। तो बेटा, पहली तरह के प्रश्नों में मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि अगर डेट सेम हो, दोनों में ही 7 मई है, और अगर इयर्स बदल जाए, 7 मई 2001 का वार देकर 7 मई 2010 का वार आपसे पूछा जा रहा है, तो बेटा ये पहली तरह के प्रश्नों में आपको ओड डेज का ही ध्यान रखना है कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितने ओड डेज हो गए। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ये कितने सालों की बात हो रही है। तो बेटा 2001 से 2010 तो आप बोलेंगे ये 9 वर्षों की बात हो रही है। तो 9 वर्षों में 9 ओड डे तो होंगे ही, क्योंकि हर ईयर में 52 सप्ताह पूरे होते हैं, अतिरिक्त एक दिन होता है, पर जो लीप वर्ष होते हैं उनमें एक अतिरिक्त दिन और हो जाता है। तो हम लोग अब ये पता लगा लेते हैं कि 9 साल तो ये हो गए, अब इसमें कितने लीप ईयर्स है, अब ये और पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे, सर मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि 9 सालों में तो 4 साल से एक बार आता है तो 2 होता है। तो अगर आप ऐसा गिनेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं मैं समझाता हूं। देखिए, पहले मैं यहां एक 2003 से 2013 तक का समय ले रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं यहां 2005 से 2015 तक का समय ले रहा हूं। आराम से समझना आप ये बात। तो 2003 से 13 तक जब आप लीप गिनना चाहेंगे, आप बोलेंगे 10 साल है तो आप डायरेक्ट गिनकर बता देंगे। 3 से 13 तक जब आप लीप गिनना चाहेंगे तो कैसे गिनेंगे, आप बोलेंगे 2004 है, 2008 है और 2012 है, तो 3 लीप वर्ष आ गए। और वही 10 साल यहां है, यहां जब गिनेंगे तो आप बोलेंगे 8 है, क्योंकि 4 तो आया ही नहीं इसमें, और 12 है, इसके बाद 16 आएगा जो कि इसमें शामिल नहीं है, तो 2 ही हुए। तो देखिए, इन 10 वर्षों में आपको 3 लीप मिल गए, इन 10 वर्षों में आपको 2 लीप मिल गए। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आप गिनकर ही करें। और दूसरा अगर ज्यादा वर्ष हो तो ज्यादा वर्ष हो तो मैं आगे आप लोगों को और बताऊंगा इसको करने का रास्ता, पर फिलहाल आप इसको समझिए, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने कहा 9 वर्ष हो गए, अब 9 वर्षों में लीप कितने हो गए, 2001 के बाद में 2004 लीप हो गया, 2004 के बाद 2008 लीप हो गया, तो 2 लीप वर्ष हो गए। तो 2 लीप वर्ष हो गए तो 9 और 2 11 ओड डेज हो गए, 11 ओड डेज हुए। अब 11 ओड डेज होने का मतलब समझते हैं, किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, तो यहां से पता लग गया 4 ओड डेज हो गए। और 4 ओड डेज हो गए तो आपको क्या वार दे रखा है, रविवार तो दे ही रखा है आपको, रविवार तो दिया ही गया है, उसके आगे आप 4 दिन गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो रविवार के बाद आप बोलेंगे सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि 7 मई 2010 को गुरुवार होगा, कब, जबकि 7 मई 2001 का रविवार रहा हो। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अभी और प्रश्न हम लोग करते हैं, कैसी कैसी संभावनाएं बनेंगी सारी चर्चाएं मैं आप लोगों से करूंगा, ठीक है। हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं, यदि 2011 में
स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस रविवार को रहा हो, रविवार को रहा हो तो 2030 में स्वतंत्रता दिवस किस वार को होगा, किस वार को होगा? ठीक है, 2011 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को रहा तो 2030 में किस वार को होगा? तो बेटा वही स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, मतलब डेट तो सेम आ रही है 15 अगस्त, बस ईयर बदल रहे हो। मैं आपको पहली तरह का प्रश्न यही समझा रहा हूं जिसमें डेट सेम आ रही हो, केवल ईयर बदल रहे हो। तो यहां से आप देखेंगे 2011 से 2030, तो आप बोलेंगे सर 19 वर्ष हो गए, बिल्कुल हो गए, केवल आपको यह काम करना है बड़े में से छोटा घटाना है, तो 19 वर्ष हो गए। अब आप इसके लीप ढूंढेंगे, लीप ढूंढेंगे तो 2011 के बाद 2012, 2016, 2020, 2024 और 2028, तो कितने लीप वर्ष हो गए? दोबारा गिन लेते हैं, 11 के बाद 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24 और फिर 28, तो कितने लीप वर्ष हो गए? 5 लीप वर्ष हो गए, समझ रहे हैं आप? तो 19 और 5 24 उल्टे हो गए। अब 24 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, 7 * 21, तो 3 रिमाइंडर बचा ना, तो आप बोलेंगे 3 और डे बचे। तो इस डेट से इस डेट के बीच अगर पूरे वीक बनाएंगे आप तो 3 अतिरिक्त दिन आपके पास बच जाएंगे। तो चूंकि आपको रविवार दे रखा है तो रविवार के आगे आप 3 दिन गिन लेंगे, 1 2 3, तो आप बोलेंगे सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या ये प्रश्न उल्टा भी हो सकता है, मतलब 2030 का वार देकर 2011 का पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, ये जो वार आप आगे की तरफ गिन रहे हैं ये पीछे की तरफ गिनना है बस। अच्छा, प्रश्न बिल्कुल वैसा ही करना है, सीधा ही करना है, बस वार उल्टे गिनने हैं, जैसे जैसे तीसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। यदि 5 फरवरी 1949 का गुरुवार था तो 5 फरवरी 1931 का क्या वार रहा होगा? ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 5 फरवरी 1949 का गुरुवार था तो 5 फरवरी 1931 का क्या वार रहा होगा? तो बेटा आप देखिए यहां क्या डेट सेम आ रहे हैं क्या? बिल्कुल डेट सेम आ रहे हैं, डेट सेम आ रहे हैं, तो आप केवल ईयर से ये क्वेश्चन करेंगे। तो चूंकि ये उल्टा प्रश्न है, 1949 का वार तो आपको दिया है, 1931 का पूछा है, तो भी आप प्रश्न को हल तो सीधा ही करेंगे, तो आप बोलेंगे 1949 1931, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आपको पता लगेगा 18 वर्ष का अंतर है, 18 वर्षों की बात हो रही है ये। अब इन 18 वर्षों में लीप कितने हैं वो और गिन लेंगे, तो चूंकि हर वर्ष एक लीप होता है तो 18 वर्षों में हर वर्ष एक ओड होता है, तो 18 वर्षों में 18 ओड हो जाएंगे और जितने लीप होंगे उतने अतिरिक्त ओड हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो 18 वर्ष तो ये हो गए, 1931 से 1949 तक हम लोग देखेंगे तो हम बोलेंगे 32 36 40 44 और 48, तो वही 5 दोबारा देख लीजिए, 32 36 40 44 और 48, तो 5 उल्टे हो जाएंगे, 5 लीप हो जाएंगे तो 5 उल्टे हो जाएंगे अतिरिक्त, तो 18 और 5 कितने दिन हो गए? 23 दिन हो गए, 23 दिन में कितने ओड डेज हो गए? 7 का भाग देंगे तो 2 ओड डेज हो गए। अब यहां ध्यान देने की बात क्या है, चूंकि ये प्रश्न उल्टा है तो आप बोलेंगे गुरुवार, अगर ये प्रश्न सीधा होता, हल सीधा ही करना है, काम सारे वही करने हैं, बस वार उल्टा गिनना है, तो ये गुरुवार पहले तो आप गिन रहे थे इधर, जो कि अब गलत हो जाएगा, चूंकि उल्टा प्रश्न है तो आप इधर गिनेंगे, तो आप बोलेंगे गुरुवार, फिर आप बोलेंगे बुधवार, फिर आप बोलेंगे मंगलवार, तो आपका उत्तर आ गया मंगलवार। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब एक बात और करते हैं कि सर अगर ज्यादा वर्ष दे रखे हों तो हम लोग लीप कैसे गिन सकते हैं? जैसे छोटा प्रश्न लेते हैं, 2003 से 2013 के बीच में कितने लीप हैं ये गिनना हो, अगर ये गिनना हो तो आप एक काम करें, इसमें सबसे बड़ा लीप वर्ष लिखें 12, 2012 ही तो होगा,
सबसे छोटा लीप वर्ष लिखे 2004, दोनों को घटाएं और चार का भाग दे दें, तो यहां से आपको पता लगेगा 8/4, मतलब दो लीप होने चाहिए थे पर प्लस एक और किया करें तो आप बोलेंगे 3 लीप वर्ष हो गए। दोबारा समझा देता हूं, चाहे कितने भी वर्ष हो आप ऐसा कर सकते। एक तो तरीका है, जब छोटा प्रश्न हो तब तो आप गिनकर ही किया करो, जब ज्यादा दूरी आ जाए तब आपको क्या करना है लीप वर्ष गिनने के लिए, सबसे बड़ा लीप वर्ष 2012 रहा तो वो लिख लिया, सबसे छोटा 2004 रहेगा तो वो लिख लिया, दोनों को घटाकर चार का भाग दीजिए और याद रखिए वापस एक प्लस कीजिए, तब जाकर आपको पता लगेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे इसमें देखिए 3 के बाद 4, 8 और 12, 3 लीप वर्ष आ रहे हैं, तो आप ऐसे गिन सकते हैं। मैं एक और प्रश्न आपको इससे संबंधित करवा देता हूं। मैंने कहा यदि January 1961 का मंगलवार था तो 26 January 2000 का क्या वार रहेगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया तो बेटा सबसे पहले तो हम लोगों को बात करनी है कि यहां कितने साल हो गए, तो जब आप 2000 में से 1961 घटाएंगे तो आपको 39 वर्ष मिलेंगे, तो बेटा 39 वर्षों का प्रश्न है ये। अब 39 वर्षों में आपको लीप ढूंढना है तो एज आई सेड सबसे बड़ा वाला लिखें, तो बेटा 2000 तो लीप नहीं है यहां क्योंकि 26 जनवरी तक ही जा रहे हैं आप, 26 जनवरी से आगे जा ही नहीं रहे, फरवरी आएगी तभी तो लीप होगा, तो इसमें सबसे बड़ा लीप वर्ष तो हो गया 96 और 1961 के बाद हो गया 64 और एज आई सेड दोनों को घटा के चार का भाग दे दीजिए और एक जोड़ दीजिए। दोबारा समझ लीजिए, चूंकि 2000 खुद तो लीप वर्ष है पर आप 26 जनवरी को रुक गए, आप फरवरी में तो गए ही नहीं, तो सबसे बड़ा लीप यहां होगा 1996, 61 के बाद में जो लीप आएगा वो होगा 64, दोनों को घटा के चार का भाग और फिर एक और जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों को घटाएंगे आप तो आएगा 32/4+1, तो यहां से पता लग गया 8 लीप वर्ष तो यह हुए, एक ये, तो 8 और 1 9, तो बेटा 39 और 9 कितने दिन हो गए, 48 दिन हो गए, और 48 दिन में कितने और डेज हो गए, 6 और डेज हो गए, तो 6 और डेज गिनने आपको मंगलवार दे रखा है, मंगलवार के आगे 6 दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप बोलेंगे मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि और सोम, तो आपका फाइनल आंसर आ गया सोमवार। ठीक है, एक बार आप वापस मेरी बात आराम से सुन लीजिए, आज मैं आपको जितने भी प्रश्न बताने वाला हूं उसमें से एक तरह का प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। हमने क्या सीखा है, यदि डेट सेम दे रखे हो, ईयर्स अलग अलग हो, तो आपका पहला काम आप ये पता लगाओ कितने ईयर्स का क्वेश्चन है, तो 1961 से 2000 तक 39 ईयर्स का क्वेश्चन हो गया, ये पहली बात मैंने आपको समझाई। अब दूसरी बात ये, हम लोग ये पता लगाएंगे इन 39 ईयर्स कितने और डेज हैं, कितने लीप वर्ष आएंगे और फिर कुल कितने और डेज बनेंगे, तो 39 ईयर्स में या तो एक तरीका है आप गिन लें कि 64 है, 68 है, 72 है, जिसमें ज्यादा समय लग जाएगा, या मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो भी विवरण दिया गया है उसका सबसे बड़ा लीप लिखे, तो 2000 इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि 26 जनवरी की बात करें तो सबसे बड़ा लिखे, सबसे छोटा लिखे, उन दोनों को घटाएं, चार का भाग दें और प्लस एक कर दें, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कितने लीप हैं। तो देखिए यहां से मुझे पता लगा कि कुल 9 लीप हैं, तो 39 और 9 48 दिनों के लिए बात कर रहे हैं, 48 वर्षों के लिए, 48 और डेज के लिए बात कर रहे हैं, तो 7 का भाग देंगे तो 7, 6, 42 और 6 ही शेष बच जाएगा, तो मंगलवार के आगे 6 बार गिनेंगे हम लोग तो आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा उल्टा प्रश्न हो तो वार उल्टी तरफ गिनना है, तो एक काम मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग प्रश्न को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अब विषय यह है कि अभी डेट सेम आ रही थी, अब विषय यह है कि अगर डेट सेम न आए तो क्या प्रश्न हो, अगर वर्ष सेम आ जाए तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। जैसे मैंने कहा यदि किसी वर्ष
15 अप्रैल का रविवार हो तो उसी वर्ष 8 अगस्त का क्या वार होगा? ठीक है, इस बार बेटा मैंने बोल दिया उसी वर्ष, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट अलग अलग ले रहे हैं, ईयर्स वही ले रहे हैं। पर बेटा कोई भी प्रश्न हो, जिन दो तारीखों की बात आपसे की जा रही है उनके बीच में कितने और डेज बनेंगे, बस इसी से ये प्रश्न होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे 15 अप्रैल से 8 अगस्त तक की। सबसे पहले आपको 15 अप्रैल और 8 अगस्त के बीच के और डेज निकाल लेने हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, मैं दोबारा कह देता हूं कि 12 महीनों में ऐसे 4 महीने ही होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, और वे महीने होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये अप्रैल से शुरू हुआ। अब ये जरूर याद रखिएगा कि जो छोटी दिनांक होती है उसके तो बचे दिन काम में आते हैं, बचे हुए दिन, कितने दिन बच गए उस महीने में, और जो बड़ी दिनांक होती है उसके दिए हुए दिन काम में आते हैं कि कितने दिन दिए गए हैं। तो बेटा अप्रैल, अप्रैल में जैसा कि आपको पता है 30 दिन होते हैं, 30 में से 15 दिन तो ये गए, तो 15 दिन बच गए, तो 15 दिन में आप 7 का भाग देंगे तो एक और डे बचेगा, 7 × 2 = 14 और 1 अप्रैल हो गया। मई आपकी पूरी आएगी, जून पूरा, जुलाई पूरी, और अगस्त जो है उसमें 8 तारीख दे रखी है, तो इसमें जो दे रखी है वही दिन काम में आएंगे, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो क्या एक और डे बचेगा क्या? दोबारा मैं बता देता हूं, पहले महीने के बचे हुए दिन काम में आएंगे। आप जानते हैं कि अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन निकाल दिए तो 15 दिन बच गए, 7 का भाग दिए, 7 × 2 = 14, 1 शेष बच गया। मई पूरी, जून पूरा, जुलाई पूरी, और अगस्त की डेट दे रखी है, 8 तारीख दे रखी है, तो 8 में 7 का भाग दिया तो 1, इसके दिए हुए दिन काम में आते हैं। ठीक है, आप बस ये ध्यान रखिए कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर इन चारों महीनों में 30 दिन होते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बाकी सबके कोड 3 रह जाएंगे, बस इन 4 महीनों के कोड 2 रहेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे 3 और 1 = 4, 4 और 2 = 6, 6 और 3 = 9, 9 और 1 = 10, तो 10 में 7 का भाग देंगे तो क्या 3 और डे आ गए क्या? तो 3 और डे आ गए, तो जो भी वार आपको दे रखा है उसके आगे 3, 1, 2, 3, तो रविवार तो आपको दे ही रखा है, तो आप बोलेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा जी? बुधवार आ गया। ठीक है, ऐसे किसी भी डेट के लिए आप कर सकते हैं ये काम। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, कैलेंडर का ये वीडियो देखने से पहले इसके पीछे के 2 वीडियो जरूर देखें, तब जाकर यहां थोड़ा ठीक से एडजस्ट कर पाएंगे आप लोग। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। मैंने कहा यदि 2 मार्च को रविवार रहे, दोबारा रविवार ही ले रहे हैं, तो 2 मार्च को मंगलवार रहे तो उसी वर्ष 2 दिसंबर को क्या वार रहेगा? ठीक है, ये मेरा अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर को क्या वार रहेगा? ठीक है, तो आप सब लोग साथ दीजिएगा मेरा, ये एक तो उसी वर्ष की बात कर रहा है, तो केवल मंथ से क्वेश्चन होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला इस महीने के बचे हुए दिन काम में आएंगे और इस महीने के दिए हुए दिन काम में आएंगे। तो बेटा 2 मार्च जो कि आपको दे रखा है, तो आप जानते हैं मार्च 31 दिन का होता है, 31 दिन में से 2 गए तो 29 दिन बच रहे हैं, तो 7 का भाग देंगे, 7 × 28, 1 और डे तो मार्च में है, बचे हुए दिनों के और डे देखेंगे, याद रखना पहले महीने में। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल पूरा आया, मई पूरी, जून भी पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो है वो दिए हुए दिन काम में आएंगे, तो 2 दिन दे रखे हैं इनमें तो 7 का भाग जाता ही नहीं, तो 2 एज इट इज काम में आ जाएंगे। अब समझने की बात क्या है, मैं बस ये याद रखता हूं कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस इन जगह 2 आता है, बाकी सब जगह देखिए 3 ही आता रहेगा, फरवरी आपको ध्यान नहीं है। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 = 4 और 3 = 7, जहां भी ये 7 हो वहां इनको खत्म कर सकते हैं,
तीन और दो पांच और तीन आठ और दो दस और तीन तेरह और एक चौदह, ये भी खत्म हो गया, तो केवल दो डेज बचे। तो दो डेज बचे तो मंगलवार के आगे आप बोलेंगे बुधवार गुरुवार, तो आपका फाइनल आंसर आ गया गुरुवार। चूंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए इस काम को बहुत समय दे रहा हूं, जब आप खुद इस प्रश्न को करने लगेंगे तो बहुत कम समय में अभ्यास के साथ आप इसको कर सकेंगे। विद इन 10 सेकेंड्स आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि पहला जो महीना आता है उसके बचे हुए दिन काम में लें और लास्ट वाला जो महीना आता है उसके दिए हुए दिन काम में लें। यदि किसी वर्ष, ये वाला प्रश्न आप भी मेरे साथ हल करने की कोशिश करना, यदि किसी वर्ष 13 मई को शनिवार हो तो उसी वर्ष दस नवंबर को क्या वार रहेगा। ठीक है, यदि किसी वर्ष 13 मई को शनिवार हो तो उसी वर्ष 10 नवंबर को क्या वार रहेगा, ये हमारा अगली तरह का प्रश्न आ गया। तो बेटा जैसा मैं आपको बोल रहा हूं ओड डेज आप लोग निकाल कर चले, तो इसने बोला 13 मई का, अगर 13 मई दे रखा है, मई में 31 दिन होते हैं, जैसा कि मैं आपको कहता हूं पहले महीने के बचे हुए दिन काम में आए तो 18 दिन बच रहे हैं, ये काम में लेंगे मई में। ठीक है, तो मई में 18 दिन बच रहे हैं, आप सब साथ मिल रही है मेरे साथ, मई में 18 दिन बच रहे हैं तो उनके नाम के मैंने 4 और डेज लिख लिए 7 का भाग देकर, रिमाइंडर लिखते हैं हम, जून पूरा, जुलाई पूरी, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और नवंबर के जो दिए हुए दिन काम है वो काम आएंगे, तो 10 में आप 7 का भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इन सबको प्लस करने से ओड डेज आपके सामने आ जाएंगे, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14, तो जहां 7 से अगर भाग जा रहा हो वहां हटा दीजिए तो 6 ओड डेज आ देर, केवल 6 ओड डे हैं और 6 ओड डे हैं तो आप क्या करेंगे बेटा 6 बार आगे गिन देंगे 1 2 3 4 5 6, तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया शुक्रवार। ठीक है, आशा करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर क्या ये प्रश्न उल्टे भी पूछे जा सकते हैं क्या, उल्टे मतलब बाद की डेट देकर पहले की डेट पूछी जा सकती है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है, और इसमें बहुत ध्यान रखने की बात क्या है कि प्रश्न सीधा ही हल होगा, बस वार उल्टे गिने जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं, यदि 8 नवंबर को मंगलवार रहा हो तो इसी वर्ष 2 जुलाई को क्या वार था। ठीक है, प्रश्न उसी वर्ष का है, ध्यान रखिए प्रश्न उसी वर्ष का है लेकिन उल्टा भी है, नवंबर का वार देकर इस बार जुलाई का वार पूछ रहे हैं। तो जैसा मैं आपको कह रहा हूं प्रश्न सीधा ही हल होगा, पहले जुलाई आती है तो इसके बचे हुए दिन काम में आएंगे, तो जुलाई में 29 दिन बच रहे हैं, 31 दिन की होती है जुलाई, 29 बच रहे, 7 का भाग देंगे 7 4 28, 1 तो जुलाई का, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और नवंबर में 8 दिन काम में आएंगे, दिए हुए दिन काम। याद रखो प्रश्न चाहे उल्टा हो उसको हल सीधा ही करना है आपको, जुलाई से नवंबर की तरफ ही बढ़ना है, तो एक हो गया, तो यहां गिनेंगे आप 3 और 1 4 और 2 6 6 और 3 9 और 1 10, तो आप बोलेंगे 3 ओड डेज। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है, प्रश्न हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हम पिछले प्रश्न कर रहे थे, बस इसमें वार आपको उल्टे गिनने हैं, तो मंगलवार के 3 दिन इधर जाएंगे आप, तो बोलेंगे सोमवार रविवार शनिवार, तो आपका फाइनल आंसर आ गया शनिवार। तो बेटा क्या सीखने को मिला आपको कि अगर प्रश्न उल्टा भी है तो भी आप उसको सीधा ही हल करेंगे, बस वार उल्टे गिनेंगे। ठीक है, क्या अगले वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्या, देख लेते हैं। देखो जैसा भी प्रश्न बनेगा, अभी कैलेंडर की आज की क्लास के साथ ही कैलेंडर पूरा नहीं हो जाना है, अभी आपको कैलेंडर में काफी कुछ और पढ़ना है, हम लोग सेम कैलेंडर ईयर वगैरह के बारे में
और एक ही महीने पर आधारित जो प्रश्न है उनके बारे में, कालक्रम परीक्षण के बारे में, अभी कैलेंडर के बारे में काफी कुछ पढ़ना है, पर ये तीसरी क्लास चल रही है और ये तीन कक्षाएं पढ़कर आप 60-70% कैलेंडर तो पढ़ लेंगे, फिर अभी और चर्चा करते रहेंगे हम कैलेंडर पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगले वर्ष में जाने की बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने कहा यदि 13 अगस्त 2019 का बुधवार था तो 5 अप्रैल 2020 का क्या वार रहेगा? ठीक है, अब इससे आप दो काम कर सकते हैं। एक तो पहली क्लास में आप लोगों ने सीखा था 13 अगस्त 2019 से 13 अगस्त 2020 पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ये मैंने पहली क्लास में समझा दिया था आपको। फिर भी ये तो बहुत पास की बात हो रही है, तो यहां भी आप चर्चा कर सकते हैं। क्या चर्चा कर सकते हैं? देखिए 13 अगस्त 2019 ये पहली तारीख है, तो पहली तारीख के बचे हुए दिन काम में आते हैं। तो कितने दिन बच रहे बेटा अगस्त में? 18 दिन बच रहे। तो यहां से आप बोलेंगे 4 सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, अगले साल की जनवरी पूरी, और बेटा अब फरवरी जो है वो 2020 की है चूंकि लीप वर्ष है तो उसके नाम का 1 मार्च पूरा और अप्रैल के 5 दिन, ये और डेज है इस डेट से इस डेट के बीच में। तो आप गिनेंगे 5, 3, 8, 1, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17, 3, 20, 2, 22, 4, 26। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं 6, 9, 11, 14, 17, 18, 18, 21, 5, 26। तो 26 में आप 7 का भाग देंगे तो 7, 21, 5 और डे बचेंगे और 5 और बचेंगे तो 5 बार गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो बुधवार के आगे हम बोलेंगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा जी? सोमवार। ठीक है, तो आशा करता हूं आप इसका दूसरा कंसेप्ट भी ठीक से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे कंसेप्ट पर। देखिए इन पिछले दो भागों में आपने क्या जाना, पहले प्रश्न में आप लोगों ने यह सीख लिया कि अगर डेट सेम है, ईयर चाहे जो भी है, तो हम क्वेश्चन कर सक रहे थे। दूसरे प्रश्न में आपने सीख लिया कि ईयर सेम है, डेट चाहे जो भी है, तो भी हम प्रश्न कर सक रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि डेट भी अलग हो जाए, ईयर भी अलग हो जाए, तो क्या करें। तो तीसरी तरह के प्रश्न पर आज की क्लास में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि 2 अप्रैल 1961 का बुधवार रहा हो तो 12 अगस्त 1980 का क्या वार रहेगा? ठीक है, इस बार क्या क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। 2 अप्रैल 1961 और 12 अगस्त 1980 डेट भी अलग है, ईयर्स भी अलग है, तो दोनों कंसेप्ट कैसे काम आएंगे? अपने दिमाग में इन बातों को थोड़ा रखने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूं, रखने की बातें ही नहीं है, ये समझने की कोशिश करना। बेटा ये 2 अप्रैल दे रखा है ना, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इस डेट से पहले जब भी 2 अप्रैल आया आप वहां तक आ जाइए। 12 अगस्त 1980 से पहले 2 अप्रैल जो है वो 1980 में ही आया होगा। तो एक प्रश्न के आप दो प्रश्न बना लीजिए। मैं ये कह रहा हूं पहले आप 2 अप्रैल 1961 से 2 अप्रैल 1980 तक आ जाइए। तो इसमें क्या हो गया, इस प्रश्न में डेट सेम हो गई, ईयर अलग हो गया जो आपने पहले सीखा, और फिर आप 2 अप्रैल 1980 से उसी साल 12 अगस्त तक आ जाइए जो अभी पिछला प्रश्न आप कर रहे थे। तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं क्या सिखाना चाह रहा हूं। आपकी जो पहली डेट होती है ना, जैसे ये इसने 2 अप्रैल दिया है, तो 12 अगस्त के पहले 2 अप्रैल इस साल में आया या इसके पिछले साल में आया, बस ये ध्यान रखना है। 12 अगस्त के पहले 2 अप्रैल तो इसी साल में आया होगा, तो 2 अप्रैल 1980 तक। ठीक है, तो अब बेटा हमारा पहला प्रश्न ये हो गया, आइए साथ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा कितने ईयर्स की बात हो गई, 80 से 61 गए, तो आप बोलेंगे 19 वर्षों की बात हो गई सर।
80 में से 61 गया तो बिल्कुल 19 वर्षों की बात हो गई। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें लीप कितने हैं, लीप कितने हैं, तो 61 के बाद में कितने, 64, 68, 72, 76 और 80 भी। तो एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, मैंने बोला 64, 68, 72, 76 और खुद 80 भी, क्योंकि आप अप्रैल तक आ रहे तो 5 इसमें आप बोलेंगे सर लीप हो गए। तो यहां से यहां तक आने का रास्ता तो मैंने पहले प्रकार के प्रश्न में आपको समझा दिया था। अब ये करेंगे हम, अब 2 अप्रैल 1980 पर तो आ गए इससे हम, पर क्या 2 अप्रैल से 12 अगस्त तक और आना है, बिल्कुल आना है। तो मैंने आपको क्या समझा रखा है, यहां जो पहली तारीख जो होती है उसके तो बचे हुए दिन काम में आते हैं, तो 2 अप्रैल दे रखा है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 28 दिन बच गए, 28 दिन बचे तो 7 चौक 28 0 अप्रैल हो गया। मई पूरी काम में आएगी, जून पूरा काम में आएगा, जुलाई पूरी काम में आएगी और अगस्त चूंकि 12 लिख रहा है 7 का भाग देंगे तो 5 काम में आएगा। तो यहां से आप बोलेंगे 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18 18 18 36 और 1 37, तो कितने और डेज हो गए बेटा, 2 और डेज हो गए तो 2 बार आगे गिन लीजिए, बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार, तो आपका फाइनल आंसर आ गया शुक्रवार। व्हाट टू डू बेटा जी, क्या करना पड़ा कि अगर डेट और ईयर्स दोनों ही अलग अलग मिल रहे हैं तो हम स्वेच्छा से पहले उस वर्ष के इस डेट तक तो आ जाते हैं। तो दो भागों में करें ऐसे प्रश्न को और करके देखते हैं। देखिए अगर आप ये तीसरा तथ्य नहीं समझ पाए हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देखना शुरू करें, आपको बिल्कुल ठीक से बात पता लग जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यदि मई 3 1984 का बुधवार था तो 2 जनवरी 2000 का क्या वार रहा होगा, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब बेटा आराम से इसको समझना, 3 मई 1984 का बुधवार तो 2 जनवरी 2000 का क्या वार रहा होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि पहले आप इस क्वेश्चन को तो छोड़ दिया करो, पहले आप ये देखा करो 2 जनवरी के पहले 3 मई कब आई होगी, तो 2 जनवरी के पहले 3 मई तो 1999 में आई होगी। मैं वापस कह रहा हूं, इनके बीच की एक कड़ी निकाल लिया करें आप, वापस समझे, 2 जनवरी दे रखी है, इसके पहले 3 मई कब आई होगी, 2000 में तो आई नहीं होगी, ये तो जनवरी दे रखी है तो मई तो आगे आएगी, तो 1999 में आई होगी। एक बार वापस समझ लीजिए, आप इसी डेट तक आया करो एक बार, 3 मई, 2 जनवरी से पहले 3 मई पिछले साल आई होगी। तो बेटा इस प्रश्न को ही भूल जाइए, आप एक बार 3 मई 1984 से 3 मई 1999 पर आओ और फिर 99 पर आने के बाद 2000 तक की यात्रा हम लोग करेंगे। तो बेटा 99 से 84 के बीच में कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। आप बोलेंगे 15 सालों की बात हो रही है सर, अब लीप ढूंढेंगे, तो खुद 84 नहीं है याद रखिए, क्योंकि आपने 3 मई लिखा, फरवरी तो पीछे रह गई कहीं, तो 84 को लीप नहीं मानेंगे, लीप आप उसी को मानते हैं जिस वर्ष की 29 फरवरी आपने शामिल की है, तो आप तो मई से आए हैं, ठीक है। अब 84 के बाद 88 92 96, तो 3 ही लीप वर्ष आ रहे हैं बेटा, समझ में आ गई होगी ये बात। तो अब हम 3 मई से 2 जनवरी तक आएंगे, तो बेटा पहला महीना, अब इसको देखिए, बस दो टुकड़ों में करना है आपको प्रश्न, एक बार तो इनका करना है और एक बार इनका करना है। अब 3 मई तक तो आप आ गए 1999 की इससे, लेकिन आपको यहां से 2 जनवरी तक भी तो आना है, तो इस महीने के तो बचे हुए दिन काम में आएंगे, तो मई में 31 दिन होते हैं, 3 गए तो 28, तो 7 चौक 28 0, फिर जून पूरा, फिर जुलाई पूरी, फिर अगस्त पूरा, फिर सितंबर पूरा, फिर अक्टूबर पूरा, फिर नवंबर पूरा, फिर दिसंबर पूरा और फिर अगले साल की 2 जनवरी। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला, तो यहां से आप बोलेंगे 7 2 14, एक और डे लिख देता हूं मैं इसको, 4 2 6 3 9 3 12 2 14, खत्म हो गए ये भी, इसको हल कर लेते हैं, 2 2 4 और 3 7 ये भी खत्म हो गए, तो 3 और डेज आते हैं,
तो ये बुधवार था, तो आप 3 दिन आगे गिनेंगे, 1, 2, 3, तो बुधवार के आगे आप गिनेंगे तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? शनिवार। अब आप आराम से एक बार आज की क्लास को दोबारा सुन लीजिए। आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि अगर डेट सेम हो और ईयर अलग अलग हो तो क्या करें। तो इस प्रश्न में मैं यही कोशिश कर रहा हूं, डेट सेम रख रहा हूं, ईयर अलग कर रहा हूं, तो ये दो ही टुकड़ों में उतरा जाता है। किन दो टुकड़ों में? कि कितने ईयर्स की बात हो रही है और उसमें भी लीप कितने हैं, तो इन दो टुकड़ों से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरे टुकड़े में मैंने आपको बताया अगर डेट अलग अलग हो, तो यहां मैं आपको यह समझा रहा हूं 3 मई से 2 जनवरी पर आना, तो पहले महीने के तो बचे हुए दिन काम में आएंगे, याद रखिएगा, दूसरे के दिए हुए दिन काम में आएंगे। और फिर तीसरे तरह के प्रश्न में, पहले में मैंने ईयर्स अलग बताए, दूसरे में मैंने डेट्स अलग बताए, और तीसरी तरह के प्रश्न में मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर डेट भी अलग आ जाए, ईयर भी अलग आ जाए, तो पहले आपको डेट सेम कर लेनी चाहिए, 3 मई 2000 से पहले 1999 में आई होगी, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, तो दोनों क्वेश्चन मिलके आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। समझ में न आए आप दोबारा देखिएगा, ये याद रखिएगा कि अगर उल्टा प्रश्न होता है तो प्रश्न को हल तो सीधा ही करेंगे, बस वार उल्टे गिनेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं इस तरफ से कि इसके तो बचे हुए दिन काम में ले लेते हैं, उल्टी तरफ से शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अब हम बात करें कैलेंडर की अगली क्लास की। तो अगली क्लास में बेटा जी मैं आप लोगों को एक तो एक माह पर आधारित प्रश्न होते हैं वे सिखाऊंगा, सेम कैलेंडर ईयर होते हैं, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2001 का कैलेंडर दोबारा कब आप काम में ले सकते हैं, सेम कैलेंडर मंथ्स जो होते हैं कि कौन कौन से 2 महीने एक समान होते हैं, इनके बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिटेल से बताऊंगा। आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आज का कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल जरूर रह सकता है आपके लिए, पर आप इसको आराम से पढ़ेंगे, समय देंगे तो आपको पता लगेगा। कॉपी पेन जरूर साथ रखें, इनको अच्छे से नोट करें, याद रखिए इससे बेहतर नोट्स आपके दोबारा नहीं बन पाएंगे। इस समय का फायदा उठाएं, अगली क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।